यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कलाया से भी इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला जो कि इनसो के अध्यक्ष है, उनका बड़ा बयान आया है। एक तरफ जहां चर्चा है इनेलो बीएसपी के गठबंधन को लेकर, तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान ये दिया है कि ओम प्रकाश चौटाला इस गठबंधन के सीएम होंगे। जी हां, ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने इस गठबंधन का सीएम करा दिया है। विधानसभा में 90 में से 85 सीटें ये गठबंधन जीतेगा, रिकॉर्ड तोड़ बताया उन्होंने। और रणदीप सुरजेवाला को चुनाव की खुली चुनौती उन्होंने दी है और साथ ही बीजेपी का सत्ता से जाना तय है, ये भी दिग्विजय चौटाला ने कलात में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही है ये बातें। तमाम तो बड़ा बयान अपने आप में कहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां विरोधी हैं इनेलो के, बसपा के, इन दोनों के हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों गठबंधन में आ चुके हैं, तो वहीं अब दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान है और इस पर भी जो विरोधी हैं जाहिर सी बात है निशाना साधते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपने आप में ये जाहिर हो गया है कि इनेलो बीएसपी का जो नेतृत्व है वो ओम प्रकाश चौटाला करते हुए दिखाई देंगे। रणदीप धानिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कलाया से ज्यादा जानकारी के लिए। रणदीप, ये अपने आप में बड़ा बयान है दिग्विजय का कि ओम प्रकाश चौटाला आने वाले समय में अगर इनेलो बीएसपी सरकार बनाती है तो सीएम होंगे। हाँ बिल्कुल कौशिक जी, देखिए बिल्कुल सीधा सा जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार एक असमंजस की स्थिति बनी थी कि जो गठबंधन है उसका प्रारूप क्या होगा, उस दिशा में जिस प्रकार दिग्विजय चौटाला ने पत्ते खोले हैं, जिस प्रकार उन्होंने भरी सभा के बीच ये ऐलान किया है कि जब गठबंधन के मुख्यमंत्री केवल और केवल ओम प्रकाश चौटाला होंगे, उसने पूरे मंजर को पूरी तरह साफ कर दिया है और उन कयासों पर भी, उन टिप्पणियों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है जो ये विरोधी दल जो टिप्पणियां करते थे कि कहीं ना कहीं इनेलो के अंदर भी इस मामले को लेकर मतभेद है और बसपा और इनेलो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। उन सभी तरह की जो चीजें निकलकर सामने आई थी पिछले दो दिन के अंदर, उन चीजों को दिग्विजय चौटाला ने रोकने का काम किया। रणदीप, कहीं ना कहीं अगर दिग्विजय चौटाला इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इनेलो का आधिकारिक बयान ही है माने। हाँ बिल्कुल, एक आधिकारिक बयान इसको कह सकते हैं क्योंकि दिग्विजय चौटाला का जो इनसो है, इनसो के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी बात को किसी प्रकार से हल्के से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो भी एक इनेलो का एक बड़ा मजबूत और युवाओं का जो विंग है, और जब भी इस प्रकार के कोई मामले सामने आते हैं, चाहे वो 70 संघ के चुनाव हों, चाहे वो सियासत के दूसरे पहलू हों, उनमें दिग्विजय चौटाला भी बिल्कुल जो इनेलो की नीतियां हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलते आए हैं और जो उनके जो आधिकारिक जो बयान आते हैं उस तरह से भी उनका एक पहलू वहां उनके साथ जुड़ा रहता है, जो हाईकमान की जो नीतियां रहती हैं उनके साथ उनके बयानों में और उनकी जानकारियों में कहीं मतभेद देखने को नहीं आया। और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को भी खुली चुनौती दी गई है दिग्विजय के द्वारा। हाँ बिल्कुल, ये भी उनकी एक ऐलान रहा कि रणदीप सुरजेवाला जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने उन्हीं को, रणदीप सुरजेवाला को ही खुली चुनौती दी है कि जहां से भी हरियाणा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जहां से भी उनका मन करे, जहां से भी वो अपने आप को सशक्त उम्मीदवार समझते हैं रणदीप सुरजेवाला, उसी सीट पर चौटाला परिवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। और रणदीप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रणदीप सुरजेवाला को चुनौती दी है लेकिन सबसे बड़ा बयान यही है कि ओम प्रकाश चौटाला आने वाले समय में अगर बीएसपी और इनेलो सरकार हरियाणा में बनाती है तो सीएम होंगे हरियाणा के। तो ये जो है फिलहाल तो सपने लगते हैं लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि जो नेतृत्व है वही करने वाले हैं ओम प्रकाश चौटाला, जो कि गुटबाजी की बातें भी नैलों में सामने आती थी खुद के घर में ही, तो इन पर विराम लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो वहीं बीएसपी इनेलों की तरफ से भी एक तौर पर देखें तो आधिकारिक बयान सा ये लगता है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ऐसा बयान देते हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।